फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं FirstBite.tv। कोरोना की यह लहर घातक हो सकती है, संक्रमितों की रफ्तार भी अपने पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा है, यानी कोरोना के नए स्ट्रेन के फैलने की रफ्तार कुछ ज्यादा है। यूपी के महत्वपूर्ण शहर मेरठ में जहां एक समय ऐसा भी आया जब संक्रमित मरीजों की संख्या शून्य को छू गई पिछले कुछ दिनों में, लेकिन एकाएक ही इसमें इजाफा होना शुरू हो गया है। कैलाशपुरी में एक ही परिवार के 11 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। इस कड़ी में भाजपा राज्यसभा सांसद कांता कर्दम भी संक्रमित पाई गई। कांता कर्दम ने हाल ही में भाजपा के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया था, जो एक चिंता का सबब बन सकता है। संक्रमितों की संख्या 28 हो गई है। इस संख्या में बढ़ोतरी यदि ऐसे ही होती रही तो सोचने हालात पैदा हो जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन ने हालात पर चिंता जताते हुए चेतावनी जारी की है। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन। कोरोना पहले के मुकाबले में ज़्यादा इन्फेक्टिव है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग बॉम्बे, पंजाब और मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए हैं या पूरे देश में फैले हैं, संभवतः उन्हीं की वजह से ये कोरोना फैल रहा है। कल की तारीख में देखें तो हमारे यहाँ 28 लोगों को पॉजिटिव केसेस हुए हैं, लेकिन उसमें से 16 लोग जो हैं 28 में जो कॉन्टैक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट्स का मतलब जो पहले इन्फेक्ट हुए थे पेशेंट्स, उनके क्लोज एसोसिएट्स जो उनके संग में रहे थे। तो ये कॉन्टैक्ट्स जितने ज़्यादा हम पकड़ेंगे, जितने ज़्यादा हम लेके उनको क्वारंटाइन करेंगे, या तो उतना ही हम ज़्यादा कोविड को कंट्रोल कर पाएंगे। एक घर में जो 11 लोग मिले हैं, उसमें वो सब किसी फंक्शन के अंदर और लोगों से मिले थे, वो एक ही परिवार, एसोसिएटेड परिवार के लोग हैं और एंटीजन पॉजिटिव हैं। उन सबको हमने क्वारंटाइन कर दिया है होम, घर के अंदर। किसी को किसी तरह कोई सिम्टम्स नहीं है, एसिम्टोमेटिक है। तो हमारा उनको निर्देश है कि अपने घर के अंदर रहें, और उस इलाके को हमने उनको घर को बंद कर दिया है, जिससे कि और लोगों के कांटेक्ट में वो ना आए और इससे और ज़्यादा फैले नहीं। राज्यसभा सांसद माननीय कांता कर्दम जी भी कोविड पॉजिटिव हो गए। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।